सवाल पूछा गया है कि जुमा मुबारक की फर्जियत का अगर कोई इनकार करे तो क्या इनकार करने वाला काफ़र होगा। पहले हम डिटेल से इसका जवाब दे चुके हैं कि किसी भी फ़र्ज़ का इनकार जो है वो सबब बनता है कुफर और काफिर होने की। अगर कोई सबब कुफर की यूं हो कि जैसे फर्जियत नमाज है या फर्जियत जुमा है तो उनकी फ़र्ज़ियत से इनकार करना ये कुफर है। एक बंदा जुमा नहीं पढ़ रहा, ठीक है, गुनाहगार है, जुमा नहीं पढ़ रहा, लेकिन उसकी फर्जियत का इनकार करने वाला जो है वो काफिर हो जाएगा, क्योंकि रब्बे कायनात ने कुरान अज़ीमुशान में पूरा एक सूरह जुमा नाजिल फरमाया हुआ है। अल्लाह करीम ने फरमाया कि जब जुमे वाले दिन आज़ान दी जाए नमाज जुमा के लिए तो आप सारे काम काज छोड़ के जुमा की तरफ चला जाओ, यानी रब्बे कायनात की तरफ से जुमा फ़र्ज़ कराया गया। हाँ, कुछ बंदे अगर जुमे की फ़र्जियत का इनकार करते हैं इस वजह से कि जुमा फ़र्ज़ नहीं है वाजिब है तो वो अलग बात है, लेकिन जुमा चूँकि फ़र्ज़ है इसीलिए इनकी फ़र्जियत का इनकार जो है वो कुफर होगा।